राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी शमशला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी शमशला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिव श्री गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौर गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण। आज 24 तारीख है और गुरुवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो दामोदर अष्टक के बारे में जो हमारे परमाचारी शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखा वो पढ़ रहे थे हम। सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं मोक्ष मोक्षाविधि अर्थात निर्वंचन घनीभूत वैकुंठ का सुख मुझे नहीं चाहिए तथा ना चा अन्य अर्थात अन्य किसी वर्ग की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। अन्य अर्थात श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन नवदा भक्ति का फल भी मुझे नहीं चाहिए। इस पर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर कहते हैं नवदा भक्ति की तो शास्त्रों में बुरी बुरी प्रशंसा की गई है और तुम इसे भी ग्रहण करना नहीं चाहते, तब तुम्हारी अभिलाषा क्या है? सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं मेरी केवल यही अभिलाषा है कि मैया के भय से बीत
सशंक नेत्रों से इधर उधर देखते हुए आपके बाल गोपाल का स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो। यहा अर्थात इस वृंदावन के बाल गोपाल का रूप सदा मेरे हृदय में स्फुरित हो। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि करने वाले साधक को स्वर्ग या नरक का विचार नहीं होता। वे केवल तत्वज्ञ और रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर प्रेम भक्ति करना चाहते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तर नानु समृत्यो हो क्रमेन रसनाम निसि नियोजया तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखील मित्यूप देश सारम। उपदेशामृत के ये शब्द हैं। तो अर्थात भक्ति साधक को चाहिए कि वे अपनी रसना और मन को अनन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री ब्रजमंडल में ही निवास कर और श्री कृष्ण के ही अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करें। यही सार उपदेशों का सार है। यही सारे उपदेशों का सार है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कहा गया है। इता परम तनु भूतो भुवि गोप बद्भो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावः वांछित यद भव भियो भियो मुनियो वयंच किम ब्रह्म जन्मा विरंत कथार सास्य। भागवत दशम स्कंध 47वां अध्याय और 58 श्लोक। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हैं। संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनि तथा हम भी इस भाव की वांछा करते हैं। जिनको भगवान की इस लीला कथा के रस का चस्का नहीं लगा है उनके लिए ब्रह्मा का जन्म भी व्यर्थ है। व्रतासुर भी वैष्णव अनुगत्य या वैष्णव संग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत 6वां स्कंध 11वां अध्याय 27वां श्लोक। प्रभो मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़े इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ जिस जिस योनि में जाऊँ जन्म लूँ वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह घे
पुत्र परिवार आदि में आसक्त हैं उनका संग ना हो। नवदा भक्ति का स्थान इतना उच्च होते हुए भी सत्यव्रत मुनि को इसकी वांछा नहीं है। क्यों? इस समस्या का समाधान करते हुए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, जैसा श्रवण होगा वैसा ही उसका फल होगा। नवदा भक्ति का आचरण ही आचरण दो प्रकार से होता है, वैदिक मार्ग से नवदा भक्ति का पालन साधक को वैकुंठ तक ही पहुंचाएगा, राग मार्ग से की गई भक्ति नवदा भक्ति वृंदावन धाम तक पहुंचाकर श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त कराती है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि राग किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति रंजकता हो तो उसे राग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति रंजकता हो तो उसे राग कहते हैं। वही रंजकता श्री कृष्ण के प्रति हो अर्थात श्री कृष्ण ही उस राग के एकमात्र विषय हो तो उसे रागात्मक भक्ति कहते हैं। इस रागात्मक भक्ति का अनुसरण करने को रागानुगा भक्ति कहते हैं। ठंडा है बड़ा। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि राग किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति रंचकता हो तो उसे राग कहते हैं। वही रंचकता श्री कृष्ण के प्रति हो अर्थात श्री कृष्ण की उस राग के एकमात्र विषय हो तो उसे रागात्मक भक्ति कहते हैं। इस रागात्मक भक्ति का अनुसरण करने को रागानुगा भक्ति कहते हैं। शिला रूप गोस्वामी पाद ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की दी है, इष्टे स्वारा सी की रागा परमाविष्टतः भवेत तन्नमया भवेद भक्ति भवेदक्ति सात्र रागात्मी को दिता श्री भक्ति साम्र सिंधु। इष्ट वस्तु में जो स्वामी भाव की इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक की परमाविष्टता होती है उसे राग कहते हैं। कृष्ण भक्ति जब इस राग में ही अवस्था को प्राप्त हो जाती है तब उसे भक्ति को रागात्मक भक्ति कहते हैं। संक्षेप में श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय तृष्णा ही रागात्मक भक्ति है। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भाव ही रागात्मक भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस रागात्मक भक्ति की अनुगमन कारिणी भक्ति रागानुगा भक्ति है। वैदिक मार्ग की भक्ति विधि सापेक्ष होने के कारण दुर्लभ होती है और रागानुगा भक्ति
संपूर्ण निरपेक्ष होने के कारण स्वभावता प्रबल होती है। श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ अनुरागी जन ब्रजवासी ही हैं। अपने भावानुसार प्रियतम श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण करता हुआ तथा अपने भावानुकूल श्री कृष्ण के ब्रज लीला संबंधी नाम और लीला कथाओं में संलग्न होकर भक्त मात्र को ब्रजमंडल में ही निवास करना चाहिए। श्री कृष्ण के परिकर श्री धाम सुबल सख्य रस के लिए, श्री नंद यशोदा आदि वत्सल्य रस के लिए तथा श्रृंगार रस के लोभी भक्त को श्री ललिता विशाखा आदि के अनुगत होकर अपने अपने भावों के अनुरूप कृष्ण कथाओं में निमग्न होकर ब्रज में निवास करना चाहिए। ऐसी भजन प्रणाली का निर्देश श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने श्रील भक्ति साम्र सिंधु में दिया है। कृष्णम स्मरण जनयंच चात्स्य प्रेष्ठम निज सम इहे हितम तथा कथार तश चासो कुर्याद वासं ब्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभावालीप सुना कार्या ब्रजलोकानुसारता। श्री भक्ति साम्र सिंधु पहला अध्याय पहला श्लोक दूसरा अध्याय कुछ 294 से लेकर 295 के श्लोक श्री कृष्ण और उनके प्रियजनों का सदा स्मरण पूर्वक उन्हीं की कथाओं में निरत होकर सर्वदा ब्रज में वास करना चाहिए। शरीर से ब्रजवास करने में असमर्थ होने पर मन ही मन ब्रजवास करना चाहिए। रागात्मिक भक्ति के प्रति जिनको लोभ होता है वे ब्रजजनों के भावों के अनुसार साधक रूप से बाहर में और सिद्ध रूप से अंतर में सेवा करेंगे। यदि साधक को विकसित प्रेम दशा लाभ की लालसा है तो उसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। यदि चेरा विसाम ब्रजभूवि सारंग प्रतिजनु प्रतिजनुर युवा द्वंद तच्चेत परिचरितु माराद विलयशे स्वरूपम श्री रूपम स्मनम इहा तस्याग्रजमिपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मर नम तदा त्वं सुनु मना। अर्थात ये श्लोक मना शिक्षा से है और मना शिक्षा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित पुस्तक है। यदि राग के साथ ब्रज में निवास करना चाहते हो एवं जन्म जन्मांतरों में ब्रज युगल की साक्षात पालक्या परिचर्या करने की अभिलाषा रखते हो तो श्री स्वरूप गोस्वामी तथा गण के साथ शिला रूप एवं शिला सनातन गोस्वामी का स्पष्ट प्रेम के साथ नित्य स्मरण करो और उनको प्रीति पूर्वक प्रणाम करो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रज भक्ति की प्राप्ति
ब्रजजनों के अनुगत्य में ही संभव है। यही आचार्य पादों का अभिमत है। ब्रज भक्ति अभिलाषी का कथा श्रवण तथा कीर्तन भी उसके भावानुरूप ही होगा। यथा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री यशोदा तन्य प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश अतएव श्रवण कीर्तन तो करना ही है, किंतु वह रूपानुगम वैष्णवों के अनुगत्य में ब्रज लीला संबंधी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण हो। तभी ब्रज के यशोदा के दुलाल बाल गोपाल प्राप्त होंगे। वैद्य भक्ति के द्वारा वे प्राप्त नहीं हो सकते, इसी वैदी नवदा भक्ति के फल को लेना सत्यव्रत मुनि अस्वीकार कर रहे हैं। बाल गोपाल की मूर्ति यदि हृदय में स्फुरित हो जाए तो बाकी क्या रह जाता है। सत्यव्रत मुनि महाराज केवल दामोदर भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में सजा रखना चाहते हैं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जब बाल गोपाल की मूर्ति यदि हृदय में स्फुरित हो जाए, भगवान हृदय में दर्शन दे, तो बाकी क्या रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रह जाता। तो वो कहते हैं हमें बस और कुछ नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, नवदा भक्ति द्वारा जो फल हैं जो सिद्धियाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो मूर्ति भगवान का रूप जो है दामोदर रूप मेरे हृदय में विराजमान रहे हो जाए, बस यही चाहिए मुझे। ब्रिजवासियों का संग प्राप्त हो गया तब श्रवण कीर्तन का सबसे उत्तम फल सारे अभिष्ट अपने आप प्राप्त हो जाएगा। श्री हरिदास ठाकुर 300,000 हरिनाम करते थे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी थी। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील दास स्वामी, श्री दास गोस्वामी भी भजन करते थे, किंतु कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वे 300,000 हरिनाम करते थे। श्रील हरिदास ठाकुर और गोस्वामी पाद के नाम जप में कुछ वैशिष्ट है। श्रीवास पंडित भक्ति भक्त शिरोमणि हैं, महाप्रभु के परिकर हैं। रथ यात्रा के समय श्रील श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी की महिमा वर्णन करने लगे। तब श्रील स्वरूप दामोदर ने श्रीमती राधा के प्रेमोत्कर्ष का वर्णन किया। दोनों के महिमा वर्णन में वैशिष्ट है। श्रीमन महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को कृष्ण कथा श्रवण के लिए शिला राय रामानंद के पास भेजा, हरिदास ठाकुर के पास नहीं। यद्यपि शिला हरिदास ठाकुर उस समय पूरी में ही विद्यमान थे, कारण यह है कि शिला हरिदास ठाकुर श्री ब्रह्मा और श्री प्रहलाद के मिलित रूप थे, वे शुद्ध नाम भी करते थे, तब भी भावना की प्रधानता होती है। यह सब भावना पर निर्भर करता है। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हैं, इनकी स्थिति वैकुंठ तक है, इसलिए ब्रज भक्ति के
पिपासु जन हरिदास ठाकुर के भजन को नमन कर शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुगत्य करते हैं, जो ब्रज भाव में विभावित होकर दिन रात ब्रज लीला रस समुद्र में विप्रलंब के साथ गोते लगाते रहते हैं। कुछ प्राचीन भक्तों के श्रीमुख से सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बहिरंग भक्तों के साथ नाम संकीर्तन और अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ ब्रज प्रेम का आस्वादन करते थे। बहिरंग लैया करे नाम संकीर्तन, अंतरंग लैया करे प्रेम आस्वादन। इन्हीं परम रसिक ब्रजवासी गोस्वामी वर्ग के अनुगत्य में भजन करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। श्रीमन महाप्रभु ब्रज रस का आस्वादन गंभीरा में केवल शिला स्वरूप दामोदर तथा शिला राय रामानंद के साथ करते थे। वे दोनों श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भावों के अनुरूप श्लोक और पदावली उच्चारण करते थे, यथा अय दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकया से हृदयम त्वदलोक कातरम दयित ब्रह्मयति किं करोम्यहम्। अर्थात पद्यावली ग्रंथ माधवेंद्रपुरी वाक्य 334 यथा हे देव हे दैत हे भुवनेक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणे करी सिंधु हे नाथ हे रमन हे नयना विराम हा हा कदानु भवितारच भवितासी पदम दृश्योर में श्री कृष्ण करनामृत में ये वर्णन है। इन श्लोकों का मर्म केवल श्री राय रामानंद तथा श्री स्वरूप दामोदर ही समझते थे तथा महाप्रभु के तीव्र उत्कट वेरा में वे ही सांत्वना देते थे। भावनाओं के इसी वैशिष्ट्य का शिला सनातन गोस्वामी अपनी टीका में वर्णन कर रहे हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग राधापिक्ष हैं, वे तभी प्रसन्न होते हैं जब श्री कृष्ण वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी की चिंता करते हैं तथा चिंता करते करते श्याम से गौरवर्ण हो जाते हैं, शाम से गौरवर्ण हो जाते हैं, इतनी चिंता करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण। राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतीर विलोपिता श्री कृष्ण चरणार वंदे राधा लिंग लिंगमत लिंगगत विग्रहम श्री राधा विनोद बिहारी त्वाष्टकम। श्रीमती राधा के मान करने पर उनके विरह में अतिशय निमग्न होने से जिनकी कृष्ण वर्ण रूप कांति विलुप्त होकर श्रीमती राधा जैसी हो गई थी, उन राधा के चिन्हों कांति से युक्त विग्रह श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। साधक को अपने गुरु को साधक स्वरूप में एवं सिद्ध स्वरूप में प्रगाढ़ प्रीति सहित लौकिक सद्बंधुवत ममता युक्त होकर अपने अभीष्ट
प्रदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी के द्वारा ही रूपानुग भजन में प्रवेश मिल सकता है, अन्यथा नहीं। भजनशील साधकों के लिए श्रीमन महाप्रभु का आदेश है। क्या आदेश है? तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन अमान्धेन कीर्तनीये सदा करी। साधक सब प्रकार से पद दलित अत्यंत तुच्छ तृण से भी अपने को दीनहीन समझकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर स्वयं अमानी और दूसरों को यथा योग्य मान देने वाला बनकर सर्वदा निरंतर हरिनाम संकीर्तन करता रहे। बस हरिनाम संकीर्तन करता रहे। आओ थोड़ा सा हम भी हरिनाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम पतित पावन है तू तब अवतारा, मोसम पतिता प्रभु न पाई वारा, मोसम आह प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी, कृपा वालो कना करो अमी बड़ दुखी, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, दया करो अद्वैत तब कृपा भाले पाई चैतन्य निताई, आह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा, आह स्वरूप भट युगा श्रीजी महा प्रभु लोकनाथ,
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री रामचंद्र संग मंगे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौर नीताय गौरनीताय जय गौरनीताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व प्रभुपा तो कलयुग में जो है संकीर्तन प्रधान है। जो हमारी समस्याएं हैं बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं, बाकी और बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि की है, तो इन समस्याओं का समाधान जो है वो नाम संकीर्तन से होगा। नाम संकीर्तन क्या करेगा? नाम संकीर्तन हमारे मलिन मन को शुद्ध करेगा। साबुन पानी से तो शरीर की या वस्त्र की सफाई हो जाती है, पर मलिन मन की सफाई कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से, नाम जपने से। इसलिए कहा ना बृहदारण्य पुराण में, हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्यन्यथा, तीन बार कहा है।
इस कलयुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। तो हम लोगों को अच्छा मौका प्रभुपाद कृपा से मिल रहा है कि हम नाम संकीर्तन करें, चलते फिरते उठते बैठ नाम जपते हैं बस। जैसे कई बार हम बताते हैं ना आपको, महाप्रभु कहते हैं हमें कितनी छूट दी है भगवान ने, उठी थे बैठी थे, उठते बैठते, खाई थे छुई थे, खाते या सोते, उठी थे बैठी थे, खाई थे छुई थे, यथा तथा नाम, जैसे तैसे नाम लो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम देश काल नियम नाही, ये नहीं क्या भी लेना भी नहीं ना, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। और सबसे बड़ी सिद्धि तो भाई कृष्ण प्रेम है, बाकी सिद्धियाँ सब टेम्पररी हैं, असली सिद्धि कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम अगर मिल गया तो कृष्ण भी जरूर मिलेंगे, और कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो फिर मुश्किल है। पर हमें प्रयास में लगे रहना चाहिए, प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे भगवान ने गीता में छठे अध्याय में ये सुझाव दिया ना, अभ्यासे ना तो कौनते या वैराग्ये न जगरिये थे। दो बातें भगवान ने कही, अभ्यास शब्द कहे हैं कि करत करत अभ्यास से जन्मति होत सजान। अभ्यास करते थे तो मूर्ख है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान, कुएं से पानी निकाला जाता है रस्सी के द्वारा बाल्टी बांधकर, और रस्सी नरम है पत्थर बड़ा सख्त है, और रस्सी नरम बार बार जब पत्थर को लगती है उसमें भी निशान घाव कर देती है, निशान हो जाता है। तो अभ्यास करने के लिए भगवान ने कहा, बार बार अभ्यास, मन तो हमारा बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर, पर अभ्यास से इसको रास्ते पर लाया जा सकता है। जब ये काम बार बार करेंगे मन तो भागेगा, जब भक्ति बार बार करेंगे, नाम बार बार जपेंगे, पहले तो भागेगा मन, लेकिन एक दिन फिर उसको वहीं आना पड़ेगा जहाँ हम उसको लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो वैसे मन बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम, अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन ने वायु रे वस दुष्करम। वायु को कोई भले वश में कर ले पर मन वश में नहीं होता। पर भगवान कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। और विराग, ये शुरू सोचना भाई जाना है, दुनिया मेरा घर नहीं है, मुझे मरना है, तो मुझे उल्टे सीधे काम नहीं करने, मुझे हरि चरणों में मन को लगाना है, भगवान के चरणों में मन को लगाना है, ये हमने बार बार सोचना है। अमानी ना मान लेना कितनी है सदा हरि। श्री गौरहरि द्वारा उपदेशित इस प्रणाली का पालन स्वयं श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी लीला में किया। व्याख्यान इस प्रकार है, एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका में पहुंचे। दुर्वासा का अर्थ है जो केवल दुर्वा घास का रसपान करते हैं, दुर्वा घास खाते हैं, वे ही दुर्वासा हैं। उस समय श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने आते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम तुरंत भोजन की व्यवस्था करो। जब तक भोजन तैयार हुआ दुर्वासा जी चले आए, चले गए। अर्धरात्रि के समय अचानक श्री कृष्ण के राजमहल में पहुंचे और भोजन मांगने लगे। भोजन परोसा गया, दुर्वासा जी ने थोड़ा सा ही खाया और बोले, श्री कृष्ण तुम इस जूठी खीर को अपने अंगों में लगा लो।
श्री कृष्ण ने चुपचाप उस जूठी खीर को अपने शरीर पर लगा लिया, केवल चरणों के तल भाग में नहीं लगाया। द्वारकावासी यह सब देख रहे थे और दुखित हो रहे थे, किंतु कुछ कह नहीं सके। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे रथ में घुमाना है और रुक्मणी जी को उस रथ को खींचना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने इसकी भी व्यवस्था कर दी। दुर्वासा मुनि ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया। रुक्मणी जी रथ खींचते खींचते गिरकर मूर्छित होने लगी। यह सब देखकर द्वारकावासी सहन नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही दुर्वासा जी रथ से कूद कर भाग गए। श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए पुकारने लगे। दुर्वासा जी पुनः प्रकट हो गए और बोले, हे द्वारकाधीश, आपके समान धैर्यवान सहिष्णु मैंने अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। आपके समान सहिष्णु और कोई नहीं है। देवता को नहीं देखा, आप ब्रह्मण्य देव हैं। यह सब लीला मैंने त्रिजगत में आपकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही की है। हे श्री कृष्ण, आपने मेरे कहने से अपने सर्वांग में मेरी जूठन खीर को मल लिया, किंतु अपने पैरों के तल भाग में नहीं लगाया, इसलिए सारे अंग वज्र जैसे हो गए हैं, किंतु पैर के तलवे कमजोर रह गए। अतः वहाँ पर चोट लगने की संभावना रह गई है। हे रुक्मिणी देवी, मैं तुमसे भी बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पराभक्ति और सहिष्णुता देकर आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जगत की समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ होगी, अखंड सौभाग्यवती होगी। इस कथा से साधक को सहिष्णुता तथा धैर्य परायणता की शिक्षा मिलती है। व्यवहार में तनिक भी भूल होने पर वैष्णव अपराध हो जाता है और भक्ति सदा के लिए दूर भाग जाती है। सदा में मनस्यामि रसातम किम न्याय। सत्यव्रत मुनि अन्य सब वरदानों को छोड़कर श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप दामोदर रूप की ही हृदय में स्फूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय में श्री दामोदर स्वरूप ही आविर्भूत रहे तो, जैसे कि पहले भी थोड़ी सी चर्चा की गई, जब श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जब भगवान का बाल गोपाल रूप हृदय में विराजमान हो गया तो पीछे रहा क्या? क्योंकि भगवान हर वस्तु के, हर चीज के कारण है। सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारणों के कारण जो भगवान हैं, वो ही जब हृदय विराजमान हो गए तो पीछे कुछ नहीं रहा, सब कुछ आ गया। तो सत्यव्रत मुनि की कृपा से उनके श्री चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भी ऐसी भावना हो जैसी आपकी है। सत्संग का या कथा का श्रवण करने का यही लाभ है कि जो हम कथा में सुनते हैं उसको जीवन में धारण करें। खाली कथा सुने और एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी तो फिर भी कथा तो शुभ है, पर पूर्ण लाभ तब है जब उसको हम जीवन में धारण करते हैं। तो जीवन में धारण करने का प्रयास करना है।
ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। कहा है कि मनुष्य जन्म के बारे में मनुष्य जन्म दुर्लभ अति मनुष्य जन्म होतना बारंबार तरवर सो पत्ता झड़े बौरी न लागे डर अरीना। ये शरीर इस बात को भी हमने समझना है ये बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार होने वाला नहीं है। हमारी मलिन बुद्धि तो नहीं मानती इस चीज को, पर यही सत्य है जो शास्त्र कह रहे हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति होत न बारंबार, कैसे तरवर सो पत्ता जड़े बहुल न लागे डार। वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाए फिर वो वृक्ष को जाके नहीं लगता। इसी प्रकार जब एक बार शरीर छूट गया फिर से ये मिलने वाला नहीं है। अगर ये मिला है तो इसका लाभ यही है कि भगवान के गुणगान करें, हम कृष्ण भावना से भावित हों। प्रभुपाद जी ने क्या दिया, कृष्ण भावना अमृत संग। जब भावना हमारी भौतिक है तो हम दुखी हैं, परेशान हैं, पर जब हम कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे दुर्गुण चले जाते हैं और कृष्ण भावना के फलस्वरूप सद्गुण आ जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें गुण ही गुण हैं। बाकी संसार में ये संसार जो है दुखों का घर है। मामोपित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो जन्म उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। तो दुखों के घर में सुख कैसे मिल सकता है, यहाँ सुख नहीं है। सुख मिलेगा श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़ने से, कृष्ण सिमरन करने से, कृष्ण भजन करने से। जैसे एक शब्द कहे है ना, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद, हे कृष्ण हे या दव हे सकेती, हे कृष्ण हे। बस भगवान का नाम हम नहीं भूलें, भगवान का नाम हमारे हृदय में बैठ गया और बार बार हमारा ध्यान उन्हीं के चरणों में जा रहा है, फिर जीवन को सफल समझना चाहिए। और देखो जो भगवान के भक्त होते हैं बड़े विनम्र, बड़े विनम्र। तो एक कथा आती है कि एक दुष्ट था, एक संत रहते थे मन में, उनको रोज जाके गालियां देता था, रोज नियम से गालियां देना, संत बेचारे सहन कर देते। एक दिन उस दुष्ट को जो है सरकारी कर्मचारी किसी कारण से पकड़ के ले जा रहे थे, कुछ उसने अपराध किया था, ले जा रहे तो कहता भाई मुझे रोको, यहाँ संत हैं उनको मैं रोज गालियाँ देता, गालियाँ दे लूँ पहले मैं। आया तो गालियाँ देने लगा, तो संत देखो कैसे होते हैं, उन्होंने कहा संत के इतने में सदा बाबा गोविंद विराजमान थे, उन्होंने कहा भाई इसे कहाँ ले जा रहे हो, कैसे ये तो दुष्ट है, इसको दंड देने के लिए ले जा रहे, कहते छोड़ दो इसको। कहते नहीं, इसने
मुझे अपना कहा, चाहे मेरे को गालियाँ देता था तो मुझे अपना बनाया उसने, इसकी मेरा है इसको छोड़ दो। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत इतने दयालु हैं, गालियाँ देने वाला नहीं, उसको उनको अपना कहा तो उसको वो अपना लेते हैं और उस पर कृपा कर लेते हैं। तो देखो सभी संत बन सकते हैं, पुरुष भी, स्त्री भी, गोरा भी, काला भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सब बन सकते हैं हृदय के परिवर्तन से। और महाप्रभु ने तो एक बात कही कि वे विप्रा कि वे न्यासी शूद्र केने ना आया। क्या ब्राह्मण क्या, कि वे विप्र सन्यासी क्या, शूद्र क्या या नाई क्या, किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र के ने नाया, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु आया। जो जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो जानता है कि कृष्ण भगवान है, हमें उनकी सेवा करनी है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु बनने के योग्य है। ये महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उन्होंने ये शब्द कहे। तो कृष्ण के तत्व को समझना है, कृष्ण सब कारणों के कारण है, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, और सबका ये कर्तव्य है कि उनकी भक्ति करें। सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। सब भगवान की भक्ति करें कैसी, निष्काम भक्ति, अनमोटिवेटेड, कोई मोटिवेशन नहीं, और अनइंटरप्टेड, रुकनी भी नहीं चाहिए, होती रहनी चाहिए भक्ति, और कोई इच्छा नहीं, कोई मोटी कुछ नहीं चाहिए। सब जीवों का यह कर्तव्य भागवत बता रहा है, सुखदेव महाराज बता रहे हैं। तो सबका काम भक्ति करना है, जीवन को सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। और अभी यहाँ प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ते हैं, आज है 24 तारीख। आज के दिन ये शब्द प्रभुपाद ने गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। जो पक्का भक्त, गंभीर जो है, सीरियस डिवोटी जो है, श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके, भगवान की जो शीतल ठंडी हवा, उसके झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। समुद्र बहुत बड़ा है, माया भी बड़ी प्रबल है, पर जिसे कृष्ण की कृपा मिल गई, शीतल पवन के झोंके, जो कृष्ण रूपी शीतल पवन के झोंके जिसको मिले, उसके द्वारा वो इस माया रूपी सागर को पार कर जाता है। हमारा यही कार्य है, यही हमारा जीवन है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट आए। कृष्ण भी ये चाहते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, उनके साथ कृष्ण लोक में, गौलोक धाम में निवास करने के लिए वापस आ जाएं, और हमें केवल उनकी इस इच्छा को समर्पित होना है। भगवान की जो इच्छा है उसको हमें समर्पित होना है, हमने भगवान के धाम में जाना है, ये और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सारी इच्छाएँ हैं, खाने की, सोने की, लड़ने की, जगने की, बड़ी आदतें पड़ी हुई हैं हमको, लेकिन धीरे धीरे इस इच्छा को जागृत करना है, इस इच्छा को लाना है और इसको प्राप्त करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की, श्री गुरु महाराज की। देवांगी माता शहजादपुर से, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी के आपके पावन चरणों में इस अधम पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज आप मेरे सपन में आए
और आपने अपने शुभ अच्छा आपने अपने शुभ कर कमलों से मेरे नापाक मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया और अपना आशीर्वाद अपनी इस पतित बेटी को दिया। गुरु महाराज जी, मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपना आशीर्वाद मुझ अदम पतित पर इसी प्रकार बनाए रखें। और महाराज जी, आपसे एक भजन सुनने की भी बड़ी इच्छा बड़े दिनों से हो रही है। ब्रज के नंदलाला, हरे कृष्णा, आपकी अति कृपा होगी। आपकी पतित बेटी देवांगी देवीदासी। देवांगी आगे ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा जी के जब से ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला भर दिया उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया उसे कौन जिसे तूने तार दिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के सब दुख जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी एक इशारे से तूने विपदा हारी एक तूने दुख टाल दिया गोवर्धन उठा के लिया तूने गोवर्धन उठा के लिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब से तेरा ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला
मधुकर तन में श्याम बसे मन में मुरारी तन सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराई मन मंदिर में रास रसाओ रसिया रात रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया ब्रिज के नंद राधा जी के सांवरिया बोलो नंदलाल भगवान की बोलो ब्रिज के नंदलाला की बोलो राधा जी के सांवरिया की और है सुभद्रा माता गढ़ी से हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम वृंदावन में आपके दर्शन से मन बहुत प्रसन्न है गुरु महाराज जी अगर भगवान के दर्शन करने पर आंखों में आंसू आए तो इसे हम क्या समझें इसे भगवान की कृपा आंखों में आंसू नहीं आते जब भगवान के दर्शन करके आंसू आएँ तो वो तो बहुत शुभ हैं अंदर से जो मैल है आंसू के माध्यम से बह जाती है हृदय निर्मल होता है अनीमा माता नूरपुर हिमाचल से गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव जी हम अभी भक्ति कर रहे हैं बट दीक्षा नहीं ली हुई है जिन्होंने दीक्षा ले ली है वो बोलते हैं कि आपकी भक्ति ऐसे है जैसे आप पानी में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हो तो गुरुदेव जी जो हम भक्ति करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है क्या है क्यों नहीं है अब भक्ति की अब दीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं भक्ति करके करके दीक्षा जब होगी दीक्षा भी हो जाएगी समय आने पर लाभ है क्यों नहीं है नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता भक्ति व्यर्थ नहीं जाती ऐसे ही वर्णन आता है कि वो बहुत कम है कि जिसने दीक्षा भी नहीं ली थी उसे भी भगवत प्राप्ति हुई थी ऐसी कथा आती है एक पर वो कोई बड़ा बहुत ही कम पर दीक्षा तो भी बताइए शास्त्र में ज़रूर भगवान भी गुरु धारण करते हैं कृष्ण भगवान ने भी गुरु धारण किए राम भगवान ने भी जितने भी अवतार हुए सब ने गुरु धारण किए चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु धारण किए बस हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकट तेरे शीश पे सोहे मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मैं देख छवि बलि हारी मैं जाऊं देख छवि बलि हारी मैं
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय राधा गिरधर राधा गिरधर, राधा गिरधर राधा गिरधर, जय राधा गिरधर राधा गिर, जय राधा गिरधर। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। शीतल बगारिया माता, शीतल बगारिया, हरे कृष्णा। कहाँ से? ये नहीं लिखा। अगर पति भक्त हो पर वो फुल टाइम नहीं होना चाहे, या किसी और सेंटर में फुल टाइम होना चाहते हैं जहाँ मेरी इच्छा नहीं है, क्या मुझे पति को छोड़ देना चाहिए? मैं फुल टाइम सेवा करना चाहती हूँ पर उनकी इच्छा नहीं है, तो मैं क्या पति के साथ रहूं या उनको छोड़ दूं? प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि उनको भी सद्बुद्धि दें तुम्हारे पति को, तुम मिलकर दोनों ही भक्ति करो। वो भी भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कमी जो है प्रभुपाद और नित्यानंद भगवान की कृपा से दूर हो सकती है, उनको प्रार्थना करो कि वो कृपा करें। सीमा माता अलीगढ़ से। सीमा जी, गुरुजी मैं 64 माला कर लेती हूँ और नियमों का पालन कर लेती हूँ, कृपया मुझे दीक्षा दे देना। गुरुजी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
नंद रानी माता होशियारपुर से, गुरु महाराज जी आज मृदुल के पिताजी का जन्मदिन है, आप उनको अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी आप सब लोग प्रसाद लो।